रही हूँ पशुपतिनाथ भगवान जी के व्रत और हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। आप टाइम देख सकते हैं, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5 o'clock। और इससे पहले मैं उठ गई थी, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया। 27 फरवरी का ये ब्लॉग है, मंडे है, मेरा फास्ट है। पशुपतिनाथ भगवान जी के मैं व्रत कर रही हूँ, जैसे कि टाइटल थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे। तो पूरा रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोनों टाइम की पूजा शेयर करने में, इसलिए मैं एक टाइम की पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पार्ट वन रहेगा, इसके जस्ट बाद में पार्ट टू आएगा जिसमें मैं शाम की पूजा आपके साथ शेयर करूंगी। पहले क्लियर कर दे रही हूँ, तो अगर आप करना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा चलो डिटेल में शेयर करती हूँ कि मैं मेरे फास्ट वाले दिन क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, पूजा विधि सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे आपको थाली लगानी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह मुझे नहीं करनी है, डायरेक्टली मैंने झाड़ू लगाई है और पोछा लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था इस टाइम में, तो ये आप बाहर थोड़ा सा देखिए, इतना अच्छा लग रहा था ना। तो मैं नहा के निकली थी और मुझे आवाज़ आई, तो मैं कैमरा लेके सीधा बालकनी में गई, सोचा आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा लगता है, ये आंटियाँ ना डेली ही हमारी कॉलोनी से निकलती हैं और ऐसे ही भगवान जी के भजन सीताराम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग भी सुन लेते हैं, हमारे कानों में भी सुनाई पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है, उसके बाद अभी मैं भगवान जी को भी उठा दूंगी और यहाँ पे जो जितने भी बर्तन है वो सारे बर्तन मैं क्लीन करने के लिए लेके जाऊंगी, और जो जल है वो पौधों में चढ़ा दूंगी और कभी कभी पी भी लेती हूँ। और अभी बहुत मॉर्निंग का टाइम है, इतना जल्दी मैं नहीं उठती हूँ डेली रूटीन में, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतने बजे उठती हूँ घर में, मैं तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, बट जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मैं जल्दी उठती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन क्लीन करने के लिए लेके जाऊँगी और यहाँ पे मैं थाली लगाऊँगी पूजा के लिए। तो आपको थाली में क्या क्या रखना है चलिए बता देती हूँ। यहाँ पे एक आपको दीपक रखना है, मिट्टी का रख लीजिए, आटे का रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। एक जनेऊ रख लिया है, हल्दी रख ली है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था शॉर्ट वीडियो देख के कि रोली नहीं चढ़ती है, ये नहीं चढ़ता है भोले बाबा को। भोले बाबा जी का पूरा परिवार है, आपको पूरे परिवार की भी पूजा करनी होती है, तो गौरा मैया को चढ़ाने के लिए रोली, हल्दी और ये अबीर रखेंगे हम, और गुलाल रखेंगे। तो आप लोग भी ऐसे थाली लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप घबराइएगा मत कि हमारे पास ये नहीं है। अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना श्रद्धा भाव से, तो बाबा उसको भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भांग रख ली है, ये पत्ते के फॉर्म में होती है, और ये है गुलाल। तो ये सारा सामान मैं आपको दिखाया था ना फर्स्ट वनडे में लेके आई थी, सारी चीज़ें मेरे पास भी नहीं थी। अगर आप सक्षम है तो लेके आइएगा, क्योंकि पशुपतिनाथ भगवान जी की जो पूजा है ना वो प्रॉपर थाली लगा के की जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो सिर्फ और सब रोली चंदन वगैरह ये सब तो होता ही है सबके घर में, तो ये लेके जा सकते हो। तो मैं सारा सामान ऐसे याद करके नोट करके मैं लेके गई थी, सब सामान लेके आई थी। यहाँ मैंने चावल रखे हैं, याद रखिए पूजा में कभी भी टुकड़ी वाला चावल नहीं चलता है, साबुत चावल जो होता है ना वही रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं मौली रखूँगी, इत्र रखूँगी, कपूर रखूँगी, आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ मैं आज, इसलिए ये ब्लॉग थोड़ा सा लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है, क्योंकि फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ फिर भी लोग कॉमेंट करते रहे दीदी ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो फिर मैं सोचा डिटेल में ही शेयर करती हूँ। आपको थाली इस प्रकार लगानी है कि शाम की पूजा भी आप इसी थाली से करेंगे, इसलिए मैंने दो धूप बत्ती रखी हुई है, और ये एक मेरे पास पात्र है तांबे का, उसमें मैं प्रसाद रख लूँगी। चंदन मेरे पास में ये मतलब गोली वाला चंदन है, तो ये ना मतलब इधर उधर गिरता है, इसलिए मैं इसको दीपक पर रख रही हूँ। ये सिंदूर रखेंगे, जो कि हम गणेश जी को लगाते हैं सिंदूर, गौरा जी को लगाते हैं हल्दी मेहंदी, गुलाल अबीर भांग चंदन लगाते हैं हम भोले बाबा जी को, तो इस तरह से रख लेंगे। और सुबह के भोग प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हो, मिश्री रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, या मिठाई रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो आपके पास रहे, माचिस ज़रूर रख लेना। इसके बाद मैं एक स्टील का ये टिफ़िन ले रही हूँ, इसमें मैं पंचामृत बना के लेके जाती हूँ। आप चाहें तो अलग अलग लेके जा सकते हो, दूध अलग, दही अलग, शहद अलग, बट थाली में इतनी जगह नहीं बचेगी ना, मैं कैसे लेके जाऊँगी, इसलिए मैं मिक्स करके लेके जाती हूँ। तो मैंने कच्चा दूध रखा है और थोड़ा सा कच्चा दूध मैंने शाम के लिए बचा दिया, आपने देखा ना। उसके बाद शहद रखेंगे,
और थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा गंगा जल, मतलब पांच तरह की चीज़ आपको इसमें डालनी है, तभी तो ये पंचामृत बन के तैयार होगा। और एक आप यहाँ पे फल रख लीजिए, कोई भी फल रख लीजिए आपके पास, जो फल है, नहीं है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप मीठा कुछ भी रख लीजिएगा, नहीं है तो शक्कर भी रख सकते हैं, नहीं है तो आप मिश्री रख सकते हैं। यहाँ मैंने दही ऐड कर दिया, ये फ्रेश मैंने कल रात को जमाया था भगवान जी के लिए ही। और ये मैंने कुछ बेलपत्र रख लिए हैं यहाँ पे, ये जो अकौवे के फूल होते हैं, आंकड़े के फूल, वो रख लेंगे, धतूरा रख लेंगे, पीले फूल रख लेंगे, कुछ वाइट फूल रख लेंगे, कुछ गुलाब रख लेंगे। भगवान जी को, शिव भगवान जी को वाइट फूल और गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, बहुत पसंद है उनको, तो वो रख लेंगे हम। और समी का पत्ता रख लूँगी मैं, समी का पत्ता तो मेरे यहाँ पे रखा हुआ है। कहते हैं कि आप जितने भी बेलपत्र चढ़ाते हो, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक समी का पत्ता चढ़ा दीजिए, तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो यहाँ पे गंगा जल मैं दोनों चीज़ों में डाल दूँगी, जल में भी डाल दिया और पंचामृत में भी डाल दिया, और यहाँ पे दक्षिणा भी रख ली है मैंने। इसके बाद यहाँ पे ये चीनी रह रही थी पंचामृत में, तो वो भी डाल दी है। गुड मॉर्निंग, तो आज है मेरा फास्ट पशुपति नाथ भगवान जी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और मैं कोशिश करूँगी आपके साथ पूरा दिन का रूटीन शेयर करने की। तो मैं घर के सारे काम हो गए हैं और यहाँ पे मैंने पूजा की थाली लगा ली है, शॉर्ट वीडियो में भी दिखा दिया है और व्लॉग में भी दिखा दिया, थोड़ा सा दिखा दीजिए, यहाँ पे याद ही नहीं है मुझे दिखाया या नहीं दिखाया, हाँ दिखा दिया। तो सब सामान मैंने रख लिया अच्छे से, थाली लगा के आपको मंदिर में जाना है, विधिवत पूजा करनी है और थाली को आपको ढक के लेके जाना है, तो मैं इससे ढक लेती हूँ और चलते हैं हम पूजा करने के लिए। तो चलिए फिर आके घर में पूजा करेंगे, और राहु काल में पूजा नहीं करते हैं, तो अभी 6:15 हो रहा है, 7:30 बजे तक तो मैं आ ही जाऊंगी। तो राहु काल का टाइम क्या होता है, फिर दोष काल का टाइम क्या होता है, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में बता दूंगी, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए, राहु काल का समय होता है, मैं भूल जाऊंगी, 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का, तो उस बीच पूजा नहीं करते हैं, तो उससे पहले आप कर सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो, 12 बजे से पहले पूजा कर लीजिए और 7:30-9 बजे के बीच में मत करना। और आज की डेट है 27 फरवरी और आज है मंडे। चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो ये देखिए टाइम आप देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और आज परछाई में आप मेरे हस्बैंड जी को देख सकते हैं, मैंने इनको बोला था कल रात को ही, तो उन्होंने भी मेरे साथ में ही नहा लिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत वो मेरे साथ वीडियो शूट करवा रहे हैं, और मंदिर भी मैं लेके जा रही हूँ उनको, वैसे उनको पढ़ना था अपना, बट मैंने बोला थोड़ी देर के लिए चलो, तो वो भी जाने को तैयार हो गए, क्योंकि मंदिर जाने के लिए कौन मना करेगा, वो भी भगवान जी को जल चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ, मंदिर में चल रहे थे भजन, तो इसलिए मैं पूरा वॉइस ओवर करूँगी, आपको पूरी पूजा भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, बस मन में श्रद्धा जरूर रखना। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, जो जल हम घर से लेके आए हैं वो पहले आपको सीधे हाथ पे चढ़ाना, फिर दाहिने हाथ पे चढ़ाना, उसके बाद फिर जहाँ पे नाग देवता जी है ना, वहाँ पे बीच में सेंटर में वहाँ पे चढ़ाना, फिर शिवलिंग पे चढ़ाना, फिर यहाँ पे उनका जो परिवार बैठा है, फिर सभी भगवान जी को हम जल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, ठीक है, याद कर लिया, पहले आपको राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, और फिर आपको बीच में, और फिर आपको शिवलिंग पे। तो यहाँ पे अब मैं जो पंचामृत लेके आए थे उनसे भी हम भगवान जी को अभिषेक कराएंगे, इसीलिए कहते हैं कि मतलब भर भर के चूड़ी और अंगूठी वगैरह से नहीं पहन के आना चाहिए, कहते हैं कि हथेलियों की जो हमारी रेखा है ना वो सही हो जाती है ऐसे अभिषेक करने से, बाबा जी को लगाने से, तो अंगूठी वगैरह बाबा जी को लग सकती है, इसलिए ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने भगवान जी को स्नान करा देंगे, जितना भी हमने चढ़ाया था वो मतलब थोड़ा सा भी ना रहे शिवलिंग पे, पूरा का पूरा निकल जाए। और नीचे मैंने एक पात्र रख दिया है, जो हम अभिषेक कर रहे हैं वो थोड़ा सा जल उसमें आ जाएगा, जो कि हम घर लेके जाएंगे, कभी भी लोटा आपको घर पे लेके नहीं आना है। और जो अभिषेक कर रहे हैं आप दूध दही से, उसको कभी भी तांबे के बर्तन से नहीं करना है, आपको स्टील के बर्तन से करना है, इसलिए मैं टिफ़िन लेके आई थी, यही रीज़न था टिफ़िन लेके आने का, नहीं तो मेरे पास 2 तांबे के लोटे हैं। दूध दही पंचामृत को आपको तांबे के बर्तन से नहीं चढ़ाना है, स्टील के बर्तन से चढ़ाना है, चाहे गिलास, कटोरी, टिफ़िन कुछ भी हो। फिर यहाँ पे पूरा साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से, अब हम यहाँ पे बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो बाबा को सबसे पहले चंदन बहुत प्रिय है, तो चंदन से हम बाबा को श्रृंगार करेंगे, जैसे आप करना चाहते हैं, जैसे आपको आता है वैसे आप कर दीजिए, नहीं आता है तो आपसे
तिलक कर दीजिए इस तरह से। तो जैसे मुझे आता है वैसे मैं कर रही हूँ। और जो हम रोली वगैरह सब लेके आए थे ना, वो देखिए अभी मैं कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको शिव भगवान जी का ही श्रृंगार करना है। और ये देखिए, आप लोग देखते जाइए। और मेरे हस्बैंड मेरी पूरी पूरी हेल्प कर रहे थे इस टाइम पर वीडियो शूट करने के लिए। तो जो हम रोली हल्दी लेके आए थे वो हम यहाँ पे लगाएंगे। कहते हैं कि गौरा मैया का हाथ है ये, जहाँ पे शिव जी की पिंडी है वो। तो यहाँ पे हम रोली हल्दी और नंदी जी का बास है, गणेश जी का बास है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रोली हल्दी वगैरह सब लगा देंगे ऊपर। फिर हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे चावल, भांग और गुलाल। फिर हम इत्र से बाबा की मालिश करेंगे। यहाँ पे वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पे जो मौली लेके आए थे और जो जनेऊ लेके आए थे वो बाबा को चढ़ा देंगे। तो इत्र की सेवा ना भगवान जी को ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इत्र बाबा को लगाया। फिर बाद फिर यहाँ पे जो हम बेलपत्र लेके आए थे, बेलपत्र आप 5, 11, 51 जितनी आपके पास में है, या एक पत्ता भी है या दो पत्ता भी है, लेकिन बेलपत्र बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे बेलपत्र पे आप ओम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसी तिलक लगा दीजिए। तो मैंने बस यहाँ पे चंदन का ऐसे, आपको बिना तिलक के नहीं चढ़ानी है, थोड़ा सा तिलक लगा करके ही चढ़ाइएगा। और बस यहाँ पे बेल पर चढ़ा देंगे। फिर हम बाबा को शमी का पत्ता चढ़ा देंगे। शमी का पत्ता मैं लेके आई थी। और ये हम गुलाब का फूल चढ़ा देंगे। फूल माला भी लेके जा सकते हो, फूल भी लेके जा सकते हो, जो आपके पास में मिल जाए वो आप लेके जा सकते हैं। फिर हम पूरा जो शिवलिंग का है पूरा सबको हम सजा देंगे अच्छे से फूलों से। जितने फूल आप चढ़ा सकते हैं उतना अच्छा मंदिर लगता है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे सभी को हम फूल चढ़ा देते हैं। धतूरा भी हम चढ़ा देंगे बाबा को। और जो फूल लेके आए थे उसका आंकड़े का वो भी हम चढ़ा देंगे। और जो फल है वो हम बाबा को समर्पित करके नीचे रख देंगे। आप लोग शिवलिंग पे कभी भी फल वगैरह ऐसे प्रसाद वगैरह मत रखना यहाँ पे, क्योंकि मतलब ये गौरा मैया का हाथ है, यहाँ पे शिवलिंग है। तो वहाँ पे आप सब कुछ रखेंगे तो सोचिए ना, उनका हाथ है ये। तो बिल्कुल मना की गई है कि शिवलिंग के ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है। आपको जो कुछ भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ा करके आप नीचे रखिए, ज़मीन पे रख दीजिए। यहाँ पे पूरे परिवार को हम तिलक कर देंगे, गौरा मैया को तिलक करेंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद ही मैंने अपने माथे पर भी तिलक लगा लिया और मांग भी भर ली है। तो बस यहाँ पर सभी को हम फूल चढ़ा देंगे, सभी भगवान जी को फूल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपको सबकी अच्छे से पूजा करनी है। और मैं अब यहाँ पे फास्ट कर दिया है, मैं तो बहुत स्लोली स्लोली पूजा कर रही थी, देख देख के कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पूजा कर रही थी। वो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो रहा था। और भोग भी लगा दिया है, भोग आपको पहले लगाना है आरती करने से पहले। और भोग भी मैंने नीचे ही रख दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद धूप दीप से कपूर से हम बाबा की आरती करेंगे। तो आप आरती कर लीजिए, ओम जय शिव ओम काला वाली आरती कर लीजिए। तो यहाँ पे आरती कर लेते हैं। दोस्तों पूजा हो गई, बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। ये टाइम बिल्कुल सही है पूजा करने का। बाबा से क्षमा याचना मांगने के बाद, अपनी मनोकामना रखने के बाद मैं घर आ गई हूँ। और जैसे मैंने पूजा की वैसे मैंने आपको दिखाई। अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, तो मैं सुधार पाऊंगी अपनी गलती को। और बस घर में आएंगे, जो हम जल लेके आए हैं वो पूरा जल छिड़क देंगे आपको, कि आप दोनों टाइम पूजा कर पाएं, सुबह की भी शाम की भी, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आपको याद आए कि मैंने सुबह की पूजा में ये नहीं रख पाया है तो मैं शाम की पूजा में रख लूँ। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको क्या रखना है इस थाली में मैं आपको बताती हूँ। शाम की पूजा में 6 दीपक और मीठा प्रसाद में जिनके 3 भाग करते हैं वो रखना है। और इसमें आपको पंचामृत रखना है। अगर आप अभिषेक कर सकते हैं अपने मंदिर में तो कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही मतलब छींटा दे करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से मंदिर होते हैं जहाँ पे आपको शाम को अभिषेक करने की अनुमति नहीं होती है।
तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, और अगर नहीं कर पाते हैं अभिषेक तो आप ऐसे छींटा देके और पूरा श्रृंगार बाबा का कर सकते हैं। तो इसमें मैं बस पंचामृत, दीपक और मीठा रखूंगी शाम को, और कुछ नहीं रखना है। फूल बेलपत्र रख सकते हो क्योंकि गर्मी का टाइम है, मुरझा जाते हैं, इसलिए मैंने उतने ही रखे थे जितने भी सुबह की पूजा में मुझे लगे हैं, तो शाम को मैं रख लूंगी फिर से। और बाकी का आपको सब सामान यही लेके जाना है, रोली, चंदन, कपूर, बाती, आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ, दक्षिणा वगैरह आपको पहले ही रखना है सुबह के टाइम में। तो मैंने यहाँ पे मंदिर में पूजा कर ली है। जो हमने अभिषेक किया था ना, जब हमने पात्र रखा था शिवलिंग के नीचे, वो जल आपको लेके आना है, अपनी आंखों से लगाना है, अपने परिवार में सबको लगाना है और पूरे घर में छिड़क देना है। वो जल बहुत ही शुभ होता है, बहुत पवित्र होता है। तो बस यहाँ पे मैंने आके अपने मंदिर में ही पूजा कर ली, आरती कर ली, तुलसा जी पे भी पूजा कर ली। तो दोस्तों पूजा हो गई है, मंदिर में भी कर ली है, घर के मंदिर में भी कर ली है। अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देती हूँ, इससे क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहने वाली है, फिर भी वो लोग कमेंट करने वाले हैं मुझे। तो आपको क्या करना है, मेरे पास कमेंट आए थे, दीदी ये व्रत क्यों किए जाते हैं? तो देखिए, व्रत किए जाते हैं अपने विश को पूरी करने के लिए। तो आपकी कोई भी मन्नत है उसे पूरी करने के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं, कोई भी मन्नत, ठीक है? तो जैसे कि मैंने की है, और ये जो व्रत है पशुपति नाथ जी की मैं रह रही हूँ, जो कि आपको 5 सोमवार रहने होते हैं, और 5वें सोमवार पे आपको आपको करना होता है उद्यापन, जो कि बहुत ही सरल विधि है। सेम पूजा आपकी यही रहने वाली है, बस लास्ट में जो 5वां सोमवार आपका रहने वाला है, 5 सोमवार हो जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, 108 फूल, चावल, बेलपत्र या कुछ भी आप 108 चीज़ें वो ले लीजिएगा गिन करके, और एक आपको जो नारियल होता है पानी वाला होता है वो श्रीफल आपको लेना है, और उसमें दक्षिणा रखनी है आपकी श्रद्धा अनुसार, 10, 11, 21, मतलब जैसे भी आप ले सकते हैं, 101 ले सकते हैं, 501 ले सकते हैं, जैसे आपको मंदिर में दान देना है उस तरह से आप मतलब दक्षिणा उसमें श्री फल में रख लीजिए, और 108 फूल, बेलपत्री या कुछ भी चावल वगैरह आप गिन लीजिए और वो आपको चढ़ाने हैं। बाकी का सेम प्रोसेस यही रहेगा जो हम 5 सोमवार में करने वाले हैं। तो ये व्रत रखने के नियम हैं बहुत सारे, जो कि मैंने भी बहुत पूछे हैं, सर्च करे हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल संडे से ही मैं प्याज लहसुन का खाना बंद कर देती हूँ। वैसे हम लोग प्याज लहसुन कम ही खाते हैं, लेकिन प्याज वगैरह थोड़ा सब्जी वगैरह में या सैलड वगैरह में खा लेते हैं, तो वो आपको संडे में नहीं खाना है। पूरा नियम पालन आपको एक दिन पहले से ही रखना है, और मंडे को आपको फास्ट रखना है। आप चाहें तो दोनों टाइम मीठा खा सकते हैं, आप चाहें तो क्या कहते हैं, एक टाइम आप सेंधा नमक का खाना खा सकते हैं। तो मैं तो एक टाइम सेंधा नमक का खाना खा लेती हूँ, पराठा सब्जी। जैसे कि मेरा आज दूसरा सोमवार है, तो दूसरे सोमवार में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले सोमवार में मैंने नहीं किया था। तो ये जो व्रत होते हैं ये मन्नत के लिए किए जाते हैं, और 5 सोमवार किए जाते हैं। आपको सुबह उठना है 7:30 बजे से, जैसे कि राहु काल में आपको सुबह की पूजा नहीं करनी है, आपको सुबह की पूजा करनी है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, मंदिर जाती हूँ, मतलब मैं पहले 10 बजे गई थी पहले सोमवार में, तो यार मतलब कुछ लेडीज है जो पूजा करने नहीं देती है। आप ऐसा मंदिर सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे आप अच्छे से विधिवत पूजा कर पाए, बाबा का श्रृंगार कर पाए अच्छे से बैठ के। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं और पीछे से कोई लेडी आएगी, वो जल चढ़ा देंगी, तो मतलब हमारा जो श्रृंगार है वो पूरा श्रृंगार जो है ना जल के साथ में निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि इससे तो जल्दी पूजा कर लेना सही है। तो आज मैं कुछ ज्यादा जल्दी उठ गई थी, आपको टाइम वगैरह सब बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब सुबह की पूजा का टाइम मुझे पता नहीं है, ऐसा ना हो कि मतलब मैं जल्दी कराऊं, क्योंकि इस टाइम का नियम पालन बहुत है इस व्रत में। तो फिर मैंने सर्च किया तो राहु काल में पूजा नहीं करनी होती, राहु काल का समय होता है 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, या 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो आप उस बीच पूजा ना करें, क्योंकि उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और 12 बजे से पहले हम कोई भी पूजा कर लेते हैं, 12 बजे से पहले आपको पूजा कर लेनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो पट बंद हो जाते हैं, भगवान जी विश्राम करते हैं, तो 12 बजे से पहले कर लेना, और जो टाइम मैंने आपको बताया उस बीच में मत करना, और बाकी का समय में आप पूजा कर सकते हैं।
तो मैं जल्दी से काम वगैरह करके पूजा करके आ गई हूँ। अब पूरा दिन मैं फास्ट रखूंगी। इसमें आप चाय ले सकते हैं पूजा करने के बाद, नहाने के बाद पूजा कर लीजिए, उसके बाद फिर आप चाय ले लीजिए। चाय के साथ में कुछ मखाने वगैरह ले लीजिए बिना नमक के, और फ्रूट्स ले सकते हैं आप दिन में। आप चाहें तो फलहार भी कर सकते हैं, मीठा वाला कुछ भी खीर बना लीजिए, सिंघाड़े का आटे का हलवा वगैरह कुछ भी, आलू का हलवा वगैरह आप फलहार कर सकते हैं। और शाम की पूजा के बाद आपको जो प्रसाद आप तीन भाग में बांटते हैं, वो प्रसाद आपको सबसे पहले खाना है, उसके बाद ही आपको अपना खाना खाना है, ठीक है। तो मैं आगे आगे ब्लॉग में आपके साथ सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है पशुपतिनाथ जी के व्रत किए जाते हैं। और जो कुछ भी आपको पूछना है, कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अब ये आप लोग पूछें कि दीदी इनको हम कब से स्टार्ट करें, तो आप कोई भी सोमवार से ये व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम बताते हैं सावन के सोमवार में, अगर ये पशुपतिनाथ जी का व्रत कर लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होता है, आपको जल्दी ही आपका जो फल है वो आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह से मैं रह रही हूँ पशुपतिनाथ भगवान जी के व्रत, और आज मेरा दूसरा सोमवार है। तो बस अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, मैं पहले साड़ी चेंज करूंगी। शाम की पूजा करने से पहले आपको नहाना है, अगर आप सक्षम है तो बिल्कुल नहा के ही पूजा कीजिएगा। और जैसे कि मतलब बुजुर्ग है या नहीं नहा सकते हैं या तबीयत खराब है, तो आप हाथ मुंह धुल लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, इस तरह से आप करके पूजा करने जा सकते हो। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि आप एक टाइम और ना, अब तो गर्मी स्टार्ट ही हो गई है, तो आप एक नहा सकते हो दो टाइम। तो मैं तो शाम को नहाऊंगी और यही साड़ी फिर से पहनूंगी। अभी मैं साड़ी को चेंज कर लूंगी क्योंकि घर के काम वगैरह, नहाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, जूठे बर्तन वगैरह उठा लेते हैं या साफ कर लेते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में काम तो बहुत सारे लगे रहते हैं। इसलिए आप नहा के पूजा करने जाएं, ज्यादा अच्छी बात है। कि पूजा प्रदोष काल में की जाती है, प्रदोष काल का टाइम कैसे पता लगाएंगे आप, वो मैं आपको इवनिंग में बता दूंगी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। तो शाम को मैं बताऊंगी कि मैं किस टाइम पे पूजा करने जाऊंगी, वही टाइम प्रदोष काल रहेगा, ठीक है। तो सुबह की पूजा मैंने कर ली, अब शाम की पूजा करूंगी, अभी कपड़े चेंज करूंगी, चाय पीऊंगी और फिर मिलते हैं आपसे। इनको भी चाय पिला दें, आज तो इन्होंने मेरे साथ मंदिर गए थे, मैं जब बोल दी थी क्योंकि थोड़ा सा शूट करवाना था, तो नहा लिए थे, नहाने के बाद अभी उन्होंने भी चाय नहीं पी है, तो मैं उनको भी चाय देती हूँ। और मेरी पूजा बहुत सही टाइम पे हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने बाबा का श्रृंगार इतने अच्छे से किया, इतने मन से किया, इतने भाव से किया, और इसीलिए मैं इनको लेके गई थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने की उसमें नहीं रहती हूँ उस टाइम पे, इन्होंने ही खड़े होकर वीडियो शूट कर दिया था। मैं तो अपनी पूरी भक्ति भाव से बाबा का श्रृंगार, बाबा की पूजा कर रही थी, क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है, ना ही खाने का, ना ही पूजा का, ना ही किसी भी चीज का। बिल्कुल साधारण तरीके से अपने मन में अपनी मनोकामना रखते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए आपको इस व्रत को करना होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे शाम को भी वही साड़ी पहननी है, और यहाँ पे चाय बनाई है, चाय पी लेते हैं। दोनों के लिए चाय बना के लेके आई हूँ, मैं स्टील के गिलास में चाय पीती हूँ फास्ट वाले दिन। अभी यहाँ पे मैं इनके लिए लंच रेडी कर रही हूँ, तो इन्होंने बोला कि मुझे पराठे बना दो, दही से खाने हैं, तो मैंने दही में नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के इनके लिए दही से पराठे दे दिए हैं। अभी गैस वगैरह सब साफ कर ली थी मैंने, और मैं अब अपने लिए बना रही हूँ थोड़ा सा खाने के लिए, मखाने वगैरह फ्राई कर रही हूँ। तो आज तो मैंने बना लिया अपने लिए ऑरेंज रख लिया मखाना बिना नमक का, और ये साबूदाना की खीर जिसके ऊपर मलाई आ गई है, ये मैंने खीर बनाई है, इतनी सी खाऊंगी बस।